फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा है स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो का Y11, जो कि अभी अभी लेटेस्ट नया आया है फिलहाल हरियाणा में, बाकी का मुझे पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि आए को इसको 2 ही दिन हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और कुछ फीचर्स बताएंगे और बेसिक्स फीचर बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं एक बार शॉप दिखा देता हूँ कहाँ से आपको मिलना है। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी कम्युनिकेशन शॉप है जो कि सेक्टर 17 में है। तो चलो स्टार्ट करें वीडियो, टाइम ना वेस्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताना कि इसका कंपैरिजन आप किसके साथ देखना चाहते हो। तो चलो फ्रेंड्स, ये है बालाजी कम्युनिकेशन शॉप जो कि सेक्टर 17 में पड़ती है। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हर प्रकार के मोबाइल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप चला के देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो। तो आज की वीडियो है वीवो Y11 के बारे में। ठीक है, इसका कंपैरिजन किसके साथ करूं, अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे जरूर बताना ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं वीवो का Y11। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं हाईलाइट जो हुआ है बॉक्स के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। इसकी 5000 mAh बैटरी मिलने वाली है और ये आपको मिलने वाला तीन प्लस बत्ती में। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। मैंने इसको ब्लेड से पहले ही काट रखा है, ये आप देख सकते हो कि टाइम जो टाइम ना वेस्ट हुआ है। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस आपको इसका मिलने वाला है 8990, मतलब कि ये लगभग आपको 9000 का मिलने वाला है। इसमें अब क्या क्या आपको मिलने वाला है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो इसकी मिलने वाली है डिस्प्ले आपको मिलने वाली है 6.38 इंच, जो कि HD प्लस है। उसके बाद फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल मिलने वाला है। राइट साइड की बात की जाए तो राइट में आपको वॉल्यूम की रोकर बटन मिलने वाला है, अप डाउन, साथ में आपको पावर लॉक बटन। लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट में 2 सिम स्लॉट मिल रहे हैं, साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। अगर अप की बात की जाए तो आप एकदम बेजलेस क्लियर मिल रहा है। अगर डाउन की बात की जाए तो नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, साथ में आपको चार्जर मिल जाता है, चार्जर इसका नॉर्मल है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसके मेन माइक मिल जाता है, तो उसके बाद 3.5 mm का जैक मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात की जाए इनकी ओवरऑल इसके लुक के बारे में ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और बैक के कैमरे की बात की जाए तो बैक कैमरे आपको मिलने वाले हैं 13+2 MP मिलने वाला है, साथ में एक आपको फ्लैश मिलने वाली है, फिंगरप्रिंट आपको बैक मिलने वाला है, अदरवाइज आपको फेस लॉक भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब इसके कुछ फीचर्स बता देते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर हट जा सिम ओके। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ, इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की, जो कि काफ़ी बढ़िया है बात है। ठीक है, उसके बाद अगर वेरिएंट की बात की जाए तो इसमें आपको 3 GB RAM मिलने वाली है और 32 GB इंटरनल मेमोरी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी एक बात हो जाती है। उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 439 मिलने वाला है। ओवरऑल प्रोसेसर देखा जाए तो एवरेज ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके रेट के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, और अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन से फ़ोन के साथ किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। जो भी रहने वाली है मैं आपको वीडियो टू वीडियो आपको देता रहूँगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल आप अनबॉक्सिंग देख सकते हो इसकी। ओवरऑल मैंने आपको बॉक्स कंटेंट दिखा दिया, तो अब कुछ फीचर दिखा देते हैं जो कि हिडन फीचर है। कईयों को स्क्रीनशॉट का नहीं पता भाई मेरे, मैंने हर एक वीडियो में बताया होता है क्योंकि स्क्रीनशॉट मैं मोस्टली बताता ही हूँ, क्योंकि कईयों को मुझे कमेंट आते हैं कि स्क्रीनशॉट कैसे लेनी है, कैमरा ब्लर कैसे करना है। तो अभी मैं सबसे पहले कैमरे के फीचर्स बताने वाला हूँ कि इसमें जो कैमरा है बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसमें बुके मोड होता है, लाइव फोकस होता है, सबके नाम अलग अलग होते हैं। बुके मोड का मतलब भी सेम ही होता है कि बैकग्राउंड ब्लर करना, और लाइव फोकस का मतलब भी क्या होता है कि जब आप लाइव फोकस करते हो तो बैकग्राउंड ब्लर रहते हैं। हाँ, अगर आप AR स्टिकर लगाते हो उसमें आप बैकग्राउंड में स्टिकर लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप मोड देख सकते हो, जैसे प्रोफेशनल मोड, इसका प्रो मोड जो सबसे बढ़िया रहता है कि जैसे आप DSLR को सेटिंग करके कैमरा खींचते हो तो आप इसी तरह इसके साथ फोटो सेटिंग करके खींच सकते हो, जैसे ये इनका कंसेप्ट रहता है, इसको आप सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पनोरमा मोड आ जाता है। पनोरमा मोड आपको इजीली पता होगा कि जैसे कि आप प्रिक क्लिक करके रखते हो तो ऐसे लंबा शॉट लेने के लिए पनोरमा मोड आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स
AI ब्यूटी आ जाता है उसके बाद, तो इसका क्या होता है कि आप जैसे कि आपने फोटो खींचनी है तो आपके थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता है और आपके जो दाग धब्बे हैं वो गैप कर देता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल फोटो आ जाती है जिसमें आप कलर टोन भी सेट कर सकते हो, ये थ्री डॉट देख रहे हो गोल गोल सर्कल बने, जहाँ पे क्लिक करोगे ये देखो मेरे बैकग्राउंड में जैसे कलर चेंज होता जा रहा है, ब्राइटनेस अपने हिसाब से, लोकेशन आप लाइट सेट कर सकते हो फेस के हिसाब से, जिसकी भी आपने फोटो खींचनी है, रात को खींचनी है, दिन में खींचनी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग रहता है, ये काफ़ी आसान रहता है। उसके बाद नॉर्मल वीडियो मोड आ जाता है, बाकी अगर आपने इसका टाइम लैप लेनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है आप स्लो मोशन लेना है, स्लो मोशन इसमें है, स्लो मोशन काफ़ी बड़ी बात है कि आपको इतने कम प्राइस में स्लो मोशन में मिल रहा है, ठीक है। उसका टाइम लैप्स, स्लो मोशन सारा कुछ इसके ऊपर आ जाता है, आप यहाँ से कर सकते हो आसानी से, बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद चेक कर सकते हो, यहाँ करोगे स्लो मोशन की इसकी कुछ वीडियो आएगी, ऐसे ऐसे करेंगे। फिलहाल हम आपको जब आप लाइव देखो कुछ और होगा, हाथ के साथ सिस्टम करते हैं कुछ और होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरऑल आपको सेम फ्रंट कैमरे में भी देखने को मिलेगा ऑप्शन, देख सकते हो, लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स ये हो गया, इसकी एच डी आर मोड में वीडियो बन रही है अभी, ठीक है, हमने अब हटा दिया है, मतलब कि देख सकते हो अगर आप एच डी आर मोड चलाते हो तो क्लैरिटी कितनी बढ़ जाती है, ये देखो एच डी आर मोड में, ये देखो कि क्लैरिटी में कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो शूट फ्रंट से करनी है तो आप कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ओवरऑल सारे टेम्पलेट ऐप आपको यहाँ मिल जाती है कि हाँ अभी टिक टिक आते हैं ना वो वाला, ठीक है, उसके बाद सिंपल मोड, ओवरऑल सारे मोड इसमें आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डबल एप्लीकेशन कैसे चलानी है या वीडियो कॉलिंग कैसे करनी है, मुझे काफ़ी जने पूछते हैं। वीडियो कॉलिंग में एक चीज़ और बता दूँ कि भाई अगर आप कमेंट करके पूछोगे ना कैमरा कैसे ब्लर करना है, तो मैं जैसे अब वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद सपोज करो आप एक महीने बाद पूछोगे तो मैं इसके फीचर्स सारे भूल जाता हूँ, अभी मैं इसको लर्न करता हूँ। फीचर्स ओवरऑल सबके फीचर्स सेम ही होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी मांग लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने नीचे स्वैप करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या शॉर्ट कीज में आपको काफ़ी मिल जाते हैं, नीचे स्वैप करते तो आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ कि डबल एप्लीकेशन कैसे करनी है, वो इंपॉर्टेंट रहता है, कईयों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन डबल करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको यहाँ इस ऐप को हल्का सा प्रेस करके रखना है, जिस जिस ऐप पे प्लस का निशान आ रहा है वो डबल एप्लीकेशन हो सकती है, जिसके ऊपर नहीं है तो वो नहीं होएगी, ठीक है। प्लस का जैसे फेसबुक के ऊपर प्लस का निशान आ रहा है, मैंने प्लस का निशान दबा दिया तो ये क्लोन एप्लीकेशन एक तैयार कर रहा है, जैसे ये चेक कर सकते हो फेसबुक टू यहाँ लिखा गया, ठीक है। अब इसको डिलीट करना है तो ईजिली आप इसको डिलीट कर सकते हो, वापस एक हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह आप व्हाट्सअप ही चला सकते हो, ठीक है। आप सपोज करो डबल एप्लीकेशन कैसे चलानी है, जैसे कि मैंने अब यूट्यूब खोल ली, फेसबुक खोल लिया, ठीक है। फेसबुक खोलने के बाद क्या करना है, आपने थ्री फिंगर्स ऊपर से नीचे स्वैप करनी है, ये एप्लीकेशन डबल हो जाएगी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। एक सेकंड इसको कंटिन्यू कर दूं, एक सेकंड जी देखो, अब ये देख सको ये एप्लीकेशन डबल होगी, ठीक है। अब सपोज करो आपने व्हाट्सअप चला लिया, ठीक है, अब नीचे व्हाट्सअप चल पड़ा, ऊपर फेसबुक चल रहा है, अब आप चाहते हो कि ये चेंज हो जाए, फेसबुक नीचे आ जाए व्हाट्सअप ऊपर चला जाए, तो यहाँ थ्री डॉट देख रहे हो, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर ऑप्शन जो देख रहे हैं ना, ये चार ऑप्शन देख रहे हो, तो ये एक तो एप्लीकेशन प्लस करने के लिए, मतलब कि आप एक एप्लीकेशन बंद कर दोगे दूसरी चला सकते हो, दूसरी बात गैलरी में जाने के लिए, तीसरी आप एप्लीकेशन चेंज करने के लिए एरो आते हैं ऊपर नीचे, जैसे अब व्हाट्सअप मैंने ऊपर भेज दिया, ऊपर वाला नीचे भेज दिया, ठीक है। अब नीचे वाली एप्लीकेशन से हमने कर दी कट, ठीक है। जैसे ये अब आप क्या करोगे, जैसे दो एप्लीकेशन एक गैलरी बन जाएगी इनकी, ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो दोनों एक साथ ही खुलेगी, जो कि अभी मुझे नहीं करनी, मतलब कि सपोज करो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कंफर्म करोगे तो ये एक एप्लीकेशन बन जाएगी, जैसे कि ये आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल, ये एप्लीकेशन जो मैंने अभी बनाई है ये चेक कर सकते हो। अब मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दो चलेगी, ये चेक कर सकते हो, ये दो चलेगी, ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप सपोज करो आपने स्क्रीनशॉट मारनी है, नीचे से थ्री फिंगर्स ऊपर करोगे तो स्क्रीनशॉट बच जाएगी, उसके बाद आप इसको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो यहाँ से ले सकते हो आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये फीचर्स बढ़िया लगे होंगे। फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं, हम इसको हल्का होल्ड प्रेस करेंगे और क्रॉस पे दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वैप करने के बाद ये आप डार्क मोड देख सकते हो, डार्क मोड भी आप कर दोगे तो ओवरऑल बैटरी सेव काफ़ी हो जाती है और आँखों पर रोशनी भी कम लगती है, काफ़ी मोड अच्छे अच्छे हैं ये, ओवरऑल सारे आपको पता होगा। गेमिंग मोड, अल्ट्रा गेमिंग मोड इसमें भी दे रखा है जो कि काफ़ी ऑसम है, अल्ट्रा गेमिंग मोड, ठीक है। अल्ट्रा गेमिंग मोड में जैसे कि आप अपनी पबजी खेल रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको यहाँ से गेम ऐड कर ली, जब आप गेम खेलोगे उसमें आप नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर सकते हो,
नो डिस्टर्ब का आप ऑप्शन ऑन कर सकते हो, और उसके बाद काउंट डाउन काउंटिंग शुरू कर सकते हो। जैसे कि हम क्या होता है कि एक मिनट तक काउंटिंग होती है ना जो पबजी में होती है, तो आप बीजे वाला बटन दबा के बाहर आके व्हाट्सअप चलाने लग जाते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको काउंटिंग दिखेगी। और सपोज करो आपने सीधा डायरेक्ट उस गेम में जाना तो आप काउंटिंग के ऊपर क्लिक करोगे। तो ऐसे ऐसे फीचर है जो कि काफ़ी ऑसम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो अगर आप ये सारे फीचर्स देख सकते हो, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये थ्री डॉट देखते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, इसमें आपको ओवरऑल जितने भी इसके फीचर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ओसम ओसम है। पावर सेविंग का है, कैलकुलेटर का है, शॉर्ट की में दे रखा जो कि काफ़ी बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छा लगा हो। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप चाहते हो इसके फीचर्स की मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बहुत जल्दी इसके हिडन फीचर्स की और फीचर्स की वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसका एंड करते हैं वीडियो को। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मैंने इसके सारे फीचर्स बता दिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी सारी डिटेल दे दिया, डिस्प्ले क्या है, रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, इसका कैमरे क्या क्या है, इसके कुछ खास फंक्शंस है जो थोड़े बहुत डबल एप्लीकेशन कैसे करनी है। वैसे नॉर्मल ही है, कईयों को पता कईयों को नहीं पता, जैसे डबल एप्लीकेशन कैसे करनी है, स्क्रीनशॉट कैसे मारनी है, या फिर कैमरे को पैनोरमा मोड में कैसे लेना है, ब्लर मोड कैसे लेना है, इनके कमेंट मुझे आते हैं, मैं इसलिए ये बता देता हूँ। तो मेरा ओवरऑल रहता है कि हाँ भाई इस फीचर्स में क्या क्या है। बाकी इसके ऊपर जो हिडन फीचर है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल ये लुक वाइज देख सकते हो, अगर इसकी वेट की बात की जाए तो वीवो वाई पंद्रह के बराबर ही है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का लाइट है। ठीक है, तो लुक वाइज सेम ऐसा ही है। ठीक है, इसमें और भी कलर आएंगे, जो कलर आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाते जाते एक बार मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। इसकी डिस्प्ले है जो 6.38 इंच की है जो कि HD प्लस है। उसके बाद फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, बैक 13 प्लस 2 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। साथ में आपको फ्लैश फिंगरप्रिंट मिल जाएगी बैक में। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसमें फेस लॉक भी है। ठीक है, नीचे आपको चार्जर मिल जाएगा, आपको चार्जर जो मिलने वाला है नॉर्मल मिल जाएगा, पर प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि बैटरी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो जो नॉर्मल चार्जर है वो भी आजकल 2.4 में एम्पेयर में काम करने वाले, मतलब कि स्लो है, ज़्यादा फास्ट नहीं है, पर इतना स्लो भी नहीं जो पहले जो स्लो होते थे। पहले आते थे 1.5 एम्पेयर के आते थे, तो ओवरऑल सही टाइम पे चार्ज हो ही जाएगा। बस ये है कि फास्ट से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ओवरऑल ये लुक वाइज काफ़ी ऑसम है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस सेट के अकॉर्डिंगली लेके? मुझे लगा कि हाँ भी इसमें जो प्रोसेसर है वो भी मतलब कि ठीक है, 10,000 की रेंज में और क्या आता है। ठीक है, पर अगर हवावा ऑनलाइन के ब्रांड के बाद कंपेरिजन किया जाए तो और भी बड़ा प्रोसेसर हो सकता है, पर नहीं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन को कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ और मिलता है, ऑफलाइन में कुछ और मिलता है। ठीक है, ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन है। बाकी आपका क्या है सेट के अकॉर्डिंगली क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना। तो एक थंबनेल के लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। कोशिश की है कि वीडियो छोटी ही रहे और आपको डिटेल ज़्यादा मिले। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, एक चीज़ और, मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जाते जाते एक चीज़ और बोल दूं कि मेरे चैनल जो स्विमिंग बाय मनी है उस पर 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मात्र 42 सब्सक्राइबर रहते हैं, सिर्फ 42 सब्सक्राइबर रहते हैं और उसके बाद 50K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने उस चैनल और इस चैनल को दोनों को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय फ्रेंड्स। ये चैनल है मेरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दोनों में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। जी है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू वॉच द वीडियो।